मंगलौर सीट पर हारकर भी कैसे जीत गई बीजेपी? बीजेपी को रोकने के लिए मुस्लिमों ने झोंकी ताकत, फिर भी धामी की बीजेपी ने रच दिया इतिहास। जो कभी नहीं हुआ वो धामी सरकार ने कर दिखाया। जिस उत्तराखंड में बीजेपी ने कुछ ही दिनों पहले लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करते हुए पांचों सीटों पर जीत का भगवा गाड़ दिया था, किसने सोचा था उसी उत्तराखंड की दो विधानसभा सीटों पर जब उपचुनाव होगा तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ जाएगा। शनिवार को जब बद्रीनाथ और मंगलौर सीट के नतीजे आए तो एक बार फिर बीजेपी को दोनों सीटें गंवानी पड़ी, जिनमें एक सीट मंगलौर तो ऐसी सीट है जहाँ हार कर भी बीजेपी जीत गई है। दरअसल देवभूमि उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां राज्य गठन के बाद पांच बार विधानसभा चुनाव हुए लेकिन एक बार भी बीजेपी को जीत नसीब नहीं हुई। तीन बार मायावती की बीएसपी और दो बार कांग्रेस ने जीत हासिल की। क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता रहा है कि जिस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है उसी देवभूमि की मंगलौर सीट पर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी क्यों आज तक एक बार भी जीत हासिल नहीं कर सकी? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मंगलौर विधानसभा सीट एक मुस्लिम बहुल सीट है और ये बात तो आप भी जानते हैं कि बीजेपी से मुस्लिम समुदाय के एक खास वर्ग की नाराजगी कोई नई बात नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी मंगलौर सीट पर कभी जीत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन इसके बावजूद मंगलौर उपचुनाव के जो नतीजे आए वो नतीजे बीजेपी के साथ साथ धामी सरकार के लिए किसी जीत से कम नहीं है, क्योंकि इन 22 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि मंगलौर सीट पर बीजेपी महज 422 वोटों से हारी। पहली बार ऐसा हुआ कि मंगलौर सीट पर बीजेपी दूसरे नंबर पर पहुंची है। पहली बार ऐसा हुआ कि मंगलौर सीट पर बीजेपी ने बीएसपी को पछाड़ दिया। शनिवार को जब चुनावी नतीजे आए तो तीन बार के विधायक कांग्रेस उम्मीदवार काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन ये जीत हासिल करने में भी कांग्रेसी निजामुद्दीन के पसीने छूट गए। यकीन न हो तो उपचुनाव के नतीजे देख लीजिए। कांग्रेस उम्मीदवार काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने 31,727 वोट पाकर जीत हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार करतार सिंह भाडाना 31,305 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। बीएसपी उम्मीदवार उबैदुर रहमान 19,559 वोट पाकर तीसरे नंबर पर चले गए। चुनावी नतीजों में ये जो बीजेपी दूसरे नंबर पर दिख रही है ये बीजेपी उम्मीदवार करतार सिंह भाडाना और सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक बड़ी जीत है। जो महज 422 वोटों से बीजेपी को मंगलौर में हार मिली, नहीं तो साल 2002 के बाद हुए 6 चुनावों और उपचुनावों के नतीजों की बात करें तो साल 2002 में बीजेपी उम्मीदवार नागेंद्र कुमार 8,298 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। साल 2007 में बीजेपी उम्मीदवार हवलदार हरपाल सिंह 1,302 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे। साल 2012 में बीजेपी उम्मीदवार कलीम 2,061 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे। साल 2017 में बीजेपी उम्मीदवार ऋषिपाल बालियान 16,964 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। साल 2022 में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश सिंह पवार 18,763 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। 2024 में उपचुनाव हुए तो बीजेपी उम्मीदवार करतार सिंह भड़ाना 31,305 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। मंगलौर विधानसभा सीट पर हुए पिछले 6 चुनाव के नतीजे बता रहे हैं बीजेपी उस वक्त भी ये सीट नहीं जीत पाई जब अटल राज में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना, और आज यही बीजेपी सीएम पुष्कर सिंह धामी के राज में 1,302 वोटों से सीधे 31,305 वोट तक पहुंच गई है, वो भी ऐसे हालात में जब मंगलौर विधानसभा सीट एक मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। यहाँ 55% मुसलमान जबकि 45% हिंदू हैं, तो वहीं हिंदुओं में भी 22% अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी मतदाता हैं। इस लिहाज से बीजेपी के लिए मंगलौर सीट पर जातीय समीकरण हमेशा से चुनौती भरे रहे। यहाँ तक कि पिछले 5 चुनावों में तो बीजेपी मुकाबले में भी नहीं रही, तो वहीं बीएसपी विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद जब उपचुनाव हुआ तो पहली बार बीजेपी मुकाबले में आई और तीन बार के विधायक काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को कड़ी टक्कर देते हुए महज 422 वोटों से चुनाव हार गई। लेकिन ये हार भी बीजेपी के लिए किसी जीत से कम नहीं। 1,302 वोट से सीधे दूसरे नंबर पर बीजेपी पहुंची, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे धामी सरकार की भी कम मेहनत नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम बहुल मंगलौर विधानसभा सीट पर बीजेपी कभी जीत का भगवा लहरा पाएगी? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।